हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्रकाश क्लासेस। द प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, जिसमें कि जानेंगे कुछ संगत और असंगत होने के कौन कौन से नियम होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानते हैं रूल्स फॉर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। इसे क्या बोला जाता है इंग्लिश में? कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। इसे हिंदी में बोला जाता है संगत और असंगत। पिछले वीडियो में हमने जाना था कब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होगा, ठीक है ना, इस तरीके के जाने थे हमने। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कब दो इक्वेशंस संगत होंगी और कब दो इक्वेशंस असंगत होंगी। तो इनके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, वो कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या होती है हमारी कंडीशन नंबर 1। तो जो कंडीशन नंबर 1 होगी वो किसके अकॉर्डिंग चलेगी वो मैं आपको इसमें समझाता हूँ। तो देखिए, जो कंडीशन नंबर हमारी 1 है, कंडीशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग जब a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 और बराबर किसके होगा c1 अपॉन c2, जब ये वाली कंडीशन फॉलो होगी, तो ये वाली जो कंडीशन हमारी बनेगी, ये कंडीशन बनेगी संगत की, अगर ये वाली कंडीशन फॉलो होती है तो। इसके अलावा कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है? व्हेन a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड इट इज़ नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो ये कंडीशन हमारी, ये भी कौन सी बनेगी? संगत की। कहने का मतलब ये हो जाएगा कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होने की ये कंडीशन बन जाएगी। उसके बाद आती है एक कंडीशन नंबर 3, व्हेन a1 अपॉन a2 इक्वल्स b1 अपॉन b2 एंड इट इज़ नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो ये वाली जो कंडीशन बनेगी, ये कंडीशन कौन सी बन जाएगी? असंगत होने की, क्योंकि इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल के आता, ये क्या बन जाएगी? इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट होने के पीछे भी रीज़न है, क्योंकि जब ये वाली कंडीशन कौन सी होती है, ये कंडीशन होती है पैरेलल की, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, क्वेश्चन नंबर 2 जब मैंने आपको समझाया था। तो ये कंडीशन कौन सी होती है? पैरेलल की। तो इसमें क्या होता है, जैसे इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ अगर इस तरीके से जाता है, तो इक्वेशन नंबर 2 का भी ग्राफ इसी के पैरेलल ही जाएगा। ये दोनों कहीं पे आपस में इंटरसेक्ट, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, एक दूसरे से टकराती नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाती है? असंगत। और इस वाली कंडीशन में जब a1 अपॉन a2 इक्वल्स b1 अपॉन b2 इक्वल्स c1 अपॉन c2 होता है, तो इसमें क्या होता है, जो दोनों इक्वेशंस होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर से ही इनका ग्राफ जाता है, तो ये जो कंडीशन बनती है वो इनफाइनाइट कंडीशन वाली बन जाती है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन बन जाती है। तो इस कंडीशन में तो सॉल्यूशन निकलता है, तो ये क्या हो जाएगा? संगत, यानी कंसिस्टेंट हो जाएगा। और जो दूसरी नंबर की कंडीशन है हमारी, व्हेन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो ये वाली कंडीशन कौन सी बन जाती है? ये कंडीशन बन जाती है इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट वाली, ये कंडीशन बन जाती है, एक पॉइंट पर आके टच करते हैं, तो यहाँ पे भी सॉल्यूशन निकलेगा, यहाँ पे भी सॉल्यूशन निकलेगा, तो कंसिस्टेंट। और जहाँ पे सॉल्यूशन ना निकले, जैसे ये वाली कंडीशन बनी थी नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन, तो जब नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन बने तो इनकंसिस्टेंट बनेगा। तो आपको इन 3 रूल्स को ध्यान रखना है, कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठें, जैसे जैसे मैं कराता चल रहा हूँ आप अपनी कॉपी में ज़रूर इसके नोट्स बनाते चलें। तो चलिए अब सोल्व करते हैं इसके क्वेश्चंस को, उम्मीद करता हूँ आपको ये ज़रूर 3 रूल समझ में आए होंगे। तो चलिए अब एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। तो इसमें हमें बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, यानी इसमें बताना है हमें ये संगत है या असंगत। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। तो इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है कि भाई ये संगत है या असंगत, यानी कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको मैं सोल्व करना आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को नोट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर करेंगे 3 का पार्ट 1। तो इसमें क्या पूछा गया है, 3x प्लस 2y इक्वल कितना? 5। ये तो होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
और इक्वेशन नंबर टू क्या है हमारी, 2x-3y इक्वल्स कितना है, 7। ये क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर टू। तो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से चेक कीजिए, तो यहाँ से ए वन की वैल्यू निकालें पहले, ए वन कितना आ रहा है, 3। उसके बाद क्या निकलेगा, बी वन, बी वन की वैल्यू आ जाएगी 2, और सी वन, सी वन की वैल्यू हो जाएगी -5। जब इसे यहाँ पे लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो ये माइनस का हो जाएगा। वैसे इससे कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, इसे आप 5 ही लिख दें। उसके बाद देखें ए टू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2, और उसके बाद बी टू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -3, और सी टू की वैल्यू कितनी है इसमें, 7। तो अब क्या करेंगे, इसको इसे कंपेयर करेंगे, क्या करना है इसमें, कंपेयर। तो कंपेयर किससे करना है हमें, ए वन अपॉन ए टू से, इक्वल बी वन अपॉन बी टू से, इक्वल सी वन अपॉन सी टू से। तो इसमें हमें कंपेयर करना है, तो ए वन अपॉन ए टू करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2, इक्वल्स बी वन अपॉन बी टू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/-3, और इक्वल सी वन अपॉन सी टू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/7। अब देखिए क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं, जी नहीं, ये बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो ये इक्वल नहीं है तो ये भी इक्वल नहीं होगा। क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं, जी नहीं, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, तो ये भी इक्वल नहीं होगा। तो ये देखो कंडीशन कौन सी बन गई, ये कंडीशन बन रही है असंगत वाली, ठीक है ना, कौन सी कंडीशन, संगत वाली ये कंडीशन बनेगी। तो इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संगत, यानी कि ये हो जाएगा कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है ना। ये वाली जो कंडीशन होती है, ए वन अपॉन ए टू बराबर नहीं है बी वन अपॉन बी टू के, ठीक है ना। तो इसको आप चेक कर लें, जो मैंने 3 रूल अभी लिखवाए थे उसमें से। उसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है 2x-3y इक्वल्स 8, और उसके बाद क्या बोला गया है इसमें, 4x-6y इक्वल्स टू 9। ये क्वेश्चन, ये हमारी इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। तो यहाँ से क्या करें, पहले ए वन की वैल्यू निकाल लें, ए वन कितना हो जाएगा, 2, और ए टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4। फिर यहाँ से बी वन की वैल्यू निकालें, बी वन की वैल्यू -3, और इसके बाद बी टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6। उसके बाद सी वन की वैल्यू निकालें, ये हो जाएगी 8। तो इसके बाद देखें बी टू की वैल्यू मिली हमें, ठीक है ना, बी टू के बाद फिर यहाँ पे वैल्यू लेते हैं हम सी टू की, तो सी टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी टू की वैल्यू हो जाएगी 9, ठीक है ना। इक्वेशन 1 से 1 वाली वैल्यू, इक्वेशन 2 से 2 वाली वैल्यू। फिर क्या करना है ना, सिंपली कंपेयर करना है एक दूसरे से, ठीक है ना। तो कंपेयर किससे करेंगे इनको, ए वन अपॉन ए टू से, इक्वल्स बी वन अपॉन बी टू के साथ, इक्वल्स सी वन अपॉन सी टू के साथ। तो ए वन अपॉन ए टू करेंगे कितना आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा यहाँ से, यहाँ से करेंगे तो बी वन अपॉन बी टू 3/6 करेंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा। और जब करेंगे क्या करेंगे, यहाँ से 8/9 सिर्फ सी वन अपॉन सी टू करके आ जाएगा। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, ए वन अपॉन ए टू तो इक्वल हो रहा है, लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं हो रहे। तो ये वाली कंडीशन कौन सी बनती है, ये कंडीशन बनती है पैरेलल वाली। पैरेलल का मतलब क्या है, इसका जो ग्राफ जाता है इस वाली कंडीशन का, वो एक दूसरे के पैरेलल जाती हैं लाइनें, तो ये आपस में एक दूसरे से टकराती नहीं है, मतलब नो सॉल्यूशन आता है यहाँ पे। तो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन हमारी कौन सी थी, अभी मैंने आपको बताया था, जिसमें सॉल्यूशन ना निकले वो असंगत हो जाता है। क्या हो जाता है वो, असंगत, यानी कि इनकंसिस्टेंट वाली ये कंडीशन हो जाएगी। तो सिंपली बहुत आसान क्वेश्चन है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो कि पार्ट 3 होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। तो अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, जिसमें इक्वेशन नंबर 1 इस फॉर्मेट में दी हुई है और इक्वेशन नंबर 2 इस वाले फॉर्मेट में दी हुई है। तो इससे घबराना नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें क्या करें, सबसे पहले ए वन निकालें, तो ए वन कितना निकल जाएगा यहाँ से, 3/2। उसके बाद बी वन निकालें, बी वन कितना हो जाएगा इसमें, 5/3। उसके बाद क्या करें, सी वन निकालें, तो सी वन यहाँ से अगर निकालेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी कितनी, 7। उसके बाद यहाँ से ए टू निकालें, ए टू की वैल्यू 9 हो जाएगी। फिर बी टू निकालें, बी टू की वैल्यू कितनी, -10 हो जाएगी। उसके बाद सी टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी टू की वैल्यू हो जाएगी 14। अब सिंपली इन्हें क्या करना है, हमें कंपेयर कर लेना है, और कंपेयर कैसे कैसे करना है मैं आपको एक एक चीज़ करके आराम से समझाऊंगा। इसे देखो कंपेयर कैसे करते हैं, ए वन अपॉन ए टू को कंपेयर करते हैं किससे, बी वन अपॉन बी टू के साथ, और इसको कंपेयर करते हैं हम सी वन अपॉन सी टू के साथ। बहुत सिंपल है, आराम से समझेंगे। तो
तो देखो a1 की जगह पे कितना लगाना है हमें, 3/2 लगाना है यहाँ पे, और a2 की जगह पे कितना यूज़ करना है, इसकी जगह पे यूज़ करना है हमें 9 इक्वल, b1 की जगह कितना यूज़ करना है 5/3, और b2 की जगह पे कितना यूज़ करना है हमें माइनस का 10। उसके बाद c1 की जगह कितना यूज़ करना है 7, और इसकी जगह कितना यूज़ करना है 14। तो देखो इस वाली लाइन के ऊपर मेन चीज़ क्या होती है, ये वाली जो अपॉन वाली लाइन होती है इसके ऊपर तो बट्टे वाली संख्या आ रही है, यानी डिवाइड वाला नंबर आ रहा है, लेकिन इसके नीचे नहीं है, तो इसके नीचे भी डिवाइड वाला नंबर बनाएंगे, ऐसे इसके नीचे डिवाइड वाला नंबर बनाएंगे। तो देखो ऊपर भी 2 नंबर हो गए और नीचे भी 2 नंबर हो गए। अब क्या करते हैं, सबसे नीचे वाले की मल्टीप्लाई सबसे ऊपर होती है और बीच वाले की मल्टीप्लाई बीच वाले के साथ हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, 1 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो ये कितना हो जाएगा 3, और 2 की मल्टीप्लाई 9 के साथ होगी तो ये हो जाएगा हमारा 18 इक्वल। सेम चीज़ यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से, तो ये कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई किससे होगी, माइनस के 10 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 30 इक्वल 7/14, तो ये कितना बन जाएगा 1/2। ऐसे ही इसको हम कट करेंगे, यहाँ पे इसको कट करेंगे 3 से, तो 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, ऐसे ही इसको कट करेंगे 5 1 5, 5 6 30, यानी 1/-6 इक्वल 1/2। तो अब देखिए क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल नहीं है, देखने में तो इक्वल लगेंगे देखो, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है और यहाँ पे प्लस है, तो ये दोनों आपस में कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो ये भी इक्वल नहीं होंगे, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो ये भी इक्वल नहीं है, तो ये भी इक्वल नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये कंडीशन कौन सी बन गई हमारी, संगत वाली, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा कंसिस्टेंट, ठीक है ना। तो देखो कितनी आसानी से हमने इनके क्वेश्चनों को सोल्व किया। अब बाकी बचे इसके क्वेश्चन नंबर 4 और 5, उन क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई करें, अगर ना हो तो आप मुझे कमेंट में बता दें, मैं उसका एक और वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, बाकी हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कर दें।